इस वीडियो में हम क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर उसे जरूर देखिएगा। कंप्लीट वीडियो न्यू सिलेबस 2024 और 25 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, सो प्लीज एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर में यानी फर्स्ट पार्ट में आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया था, तो उसको थोड़ा सा हम रिविजन कर ताकि आप उसको उससे मेकअप कर लें और आपको पता चले। देखिए हम बात कर रहे थे फ्रांसीसी समाज, तो जो फ्रांसीसी समाज है ना, फ्रांसीसी समाज और जो फ्रांसीसी समाज था, तो फ्रांसीसी समाज जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड था। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में, प्राथमिक वर्ग, द्वितीयक वर्ग और तृतीयक वर्ग। प्राथमिक वर्ग जो था उनसे किसी भी प्रकार के कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ना ही द्वितीयक वर्ग से कोई टैक्स लिया जाता था। ठीक है, इनसे टैक्स, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था और इन्हें अधिकार बहुत ज्यादा दिए गए थे। इनके पास विशेष अधिकार भी थे, चर्च के पास, सामंत वर्ग के पास, कुलीन वर्ग के पास, इनके पास विशेष अधिकार था। जबकि जो तीसरा वर्ग था इसमें अगर हम बात करें तो इसमें किसान थे, किसान शामिल थे, राइट। जब किसान हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, व्यापारी हो गए, इन सभी के जो है सभी जो लोग थे इसमें किसमें शामिल थे? तीसरे वर्ग में शामिल थे। और जो तीसरे वर्ग से जो है टैक्स लिए जाते थे, इनके पास अधिकार कुछ भी नहीं था, यानी इनके पास जो है अधिकार जो है बिल्कुल ना के बराबर था। और इनसे जो है टैक्स लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था वो दो प्रकार का था। वो कौन कौन सा था? एक को हम टीथ के नाम से जानते हैं और दूसरा है टाइल। एक है टीथ और दूसरा है टाइल। टीथ जो होता है वो चर्च द्वारा जो लिया जाता था किसानों से, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाता था और किसानों की कुल उपज का उनका 10% होता था। टाइल जो होता था सीधा राज्य द्वारा किसानों से लिया जाता था, सरकार द्वारा किसानों जो है किसानों से लिया जाता था। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था और इन दोनों कर से प्राथमिक वर्ग और द्वितीयक वर्ग पूरी तरीके से छूट थी। इन्हें कर्ज नहीं चुकाना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये भेदभाव था कहाँ पर? फ्रांसीसी समाज में। इसके अलावा हमने आप सभी को बताया था ये भेदभाव पूर्ण जो पॉलिसी थी आपकी, इसके अलावा भी फ्रांस का जो शासक था, जो फ्रांस का शासक था लुई 16, और फ्रांस का शासक लुई 16 पूरी तरीके से निरंकुश शासक था। अब निरंकुश शासक का मतलब होता है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना होना, यानी एक ऐसा शासक जो पूरी तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करता है और वो कहता है कि मैं ही स्टेट हूँ, उसका मतलब कि मैं ही राज्य हूँ। फ्रांसीसी शासक लुई 16 क्या कहते हैं कि मैं ही राज्य हूँ और नियमों का निर्माण करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए, दंड प्रदान करने के लिए केवल राजा ही था, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इसे हम कहते हैं निरंकुश शासक। और निरंकुश शासक होने की वजह से अगर हम बात करें तो 1774 में जब वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तो फ्रांस के राजगद्दी पर बैठने से पहले जो फ्रांस पूरी तरीके से क्या था, कर्ज में था। उस पर कई जो है लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा है उस समय उसकी मुद्रा था लिब्रे था, और उसे कई लाख लिब्रे मुद्रा का कर्ज था। और उसके बाद भी उसने अमेरिका के 15 राज्यों को किससे आजाद कराया था? ब्रिटेन से। तो 15 राज्यों उसने ब्रिटेन से आजाद कराया, और ब्रिटेन को आजाद कराने के बाद फ्रांस के द्वारा पैसे दिए गए, जिससे फ्रांस जो है और कर्ज में आ गया। अब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया था फ्रांस के, यानी लुई 16 के द्वारा जिससे भी कर्ज लिया गया था उनको कर्ज चुकाना था, और कर्ज चुकाने के लिए फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 के द्वारा जो है एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक को हम क्या कहते हैं? जनरल स्टेट। तो जनरल स्टेट की बैठक बुलाई गई थी, और ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया था कि जनरल स्टेट में जब बैठक बुलाई गई थी तो वहां पर 1 person 1 vote की जो बात वहां थर्ड स्टेट ने मांग करी थी उसको लुई 16 ने स्वीकार कर दिया था। उसके बाद जो तीसरा वर्ग, जो तीसरे वर्ग लोग थे उन्होंने उसका बायकॉट किया और वहां से हटकर उन्होंने एक असेंबली का निर्माण किया जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और अब आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो है 79 में हो जाती है, कब होती है? 1789 में। और जनसाधारण पूरी तरीके से अपने शासक से दुखी था, परंतु कुलीन वर्ग जो है वो ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करता था।
और जनता ने सम्राट लुई सिक्सटीन की क्या क्रांति का बिगुल बजा दिया। लुई सिक्सटीन ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। यहाँ पर कई बार सवाल पूछा जाता है कि स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी, तो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी 5 मई 1789 को। किस लिए बुलाई गई थी, तो नए करों का प्रावधान करने के लिए। और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जिसका प्रतिनिधित्व जो है समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है कई बार सवाल पूछा गया है, ये सारी चीज आपको कवर चलनी है। यहाँ आप देखिए एक व्यंग लिखा गया था, वोल्टेयर ने अपने समय का जो है एक सुप्रसिद्ध क्या था, व्यंग लेखक था। उसने सामाजिक अंधविश्वासों और चर्च की बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया, और उसने चर्च को बदनाम वस्तु के नाम से पुकारा। तो चर्च को बदनाम वस्तु के नाम से किसने पुकारा था, तो चर्च को बदनाम वस्तु के नाम से पुकारा है वो है वोल्टेयर। इन फेमस थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको कवर करना है ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें रूसो की बात, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में विचारकों का भी काफी बड़ा योगदान रहा है, तो उसमें एक नाम है वो है रूसो। तो रूसो के बारे में देख लेते हैं, रूसो क्या है, देखिए रूसो, तो रूसो की अगर हम बात करें तो रूसो जो है 18वीं शताब्दी का एक महान दार्शनिक था, और उसने अपने विचारों का संग्रह अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौते में किया। उसके अनुसार समाज की रचना उसमें रहने वाले व्यक्तियों के जो है पारस्परिक समझौते के आधार पर होनी चाहिए। तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, तो रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। ये आपको कवर करके चलना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पुस्तक से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार से एक एक विचारक है, एक दार्शनिक है, उन दार्शनिक का नाम है वह है मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू भी अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान था और उच्च कोटि का लेखक था। वह राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध था, जो मोंटेस्क्यू था ना, वो राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का कट्टर विरोधी था। उसे इंग्लैंड की शासन पद्धति बड़ी प्रिय थी। वह फ्रांस में भी वैसी शासन प्रणाली स्थापित करना चाहता था, और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है, स्पिरिट ऑफ लॉज। और वह राजा के दैवीय अधिकारों का क्या था, कट्टर विरोधी था, और वह इंग्लैंड के शासन इंग्लैंड की तरह फ्रांस के अंदर भी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता था। तो अभी हमने मोंटेस्क्यू और रूसो के बारे में देखा। अब अगले विचारक हैं वह हैं जॉन लोक। क्या है, जॉन लोक। तो जॉन लोक की पुस्तक का नाम है टू ट्रेटाइडेस ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जॉन लोक की, वह है टू ट्रेटाइडेस ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना रूसो, जॉन लोक और मोंटेस्क्यू से एक पुस्तक में से क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, इसको आपको कवर करके चलना ही चलना है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन आता है, 14 जुलाई 1789 को बास्टिल कारगरा पर पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति का जो है नाद बज गया था, और आज भी 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 को ही जो लोग थे उन्होंने क्या किया, बास्टिल किले पर हमला बोला और वहां से कुछ लोगों को आजाद कराया, और प्रतीकात्मक रूप से क्रांति की शुरुआत भी की थी, और आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिवरे क्या है, तो लिवरे जो है फ्रांस में एक प्रचलित मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। तो लिवरे को कब समाप्त किया गया, 1794 में। लिवरे कहाँ की मुद्रा है, तो लिवरे जो है फ्रांस की मुद्रा है। स्टेट से आप क्या समझते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए स्टेट क्या होता है, तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक दर्जे को दर्शाने वाली श्रेणी स्टेट के नाम से जानी जाती है। जैसे आप सभी बताए जो फ्रांसीसी समाज था वो तीन भागों में बटा, प्राथमिक स्टेट, द्वितीयक स्टेट और तृतीयक स्टेट। पादरी वर्ग, तो चर्च के खास कार्य करने वाले लोगों के समूह को पादरी कहा जाता था। टाइथ क्या है, तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला यह कृषि कर उपज का उनके हिस्से के 10वें बराबर होता, तो उसे टाइड कहा जाता था। इसी प्रकार का टाइल भी है, तो टाइल और टाइड हमने समझा दिया है, सीधे राज को दिया जाने वाला का टाइल कहलाता है। मेनर, तो मेनर क्या होती है, तो एक स्टेट जिसमें सामंत की भूमि और महल होता है उसे मेनर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के लिए कारण, वो कौन कौन से कारण जो है जिससे फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति का वो कौन सा है, तो है राजनीतिक परिस्थितियां। तो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, तो देखिए फ्रांस के राजा जो है स्वेच्छाचारी थे।
स्वेच्छाधारी मतलब पूरी तरीके से वो किसी की बात नहीं सुनता था। लुई सिक्सटीन जो था पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका था। लुई सिक्सटीन फ्रांस का जो राजा था, और वो जो राजा था वो किस वंश का था, तो राजा था बुर्बो राजवंश का, ठीक है, बुर्बो राजवंश का। और वो पूरी तरीके से निरंकुश राजतंत्र के माध्यम से अपने शासन व्यवस्था को चलाता था। कर बहुत अधिक थे और कर की जो राशि बहुत अधिक कर दी गई थी, और सारा कर का जो भार था वो तीसरे वर्ग पर पड़ रहा था। शासन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था। शासन में अगर हम बात करें, नैतिकता बिल्कुल भी नहीं थी। शासन जो है जनता के प्रति अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं था, और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार शासन में भरा हुआ था। तो इस वजह से एक क्रांति की शुरुआत थी। तो पहला कारण है राजनीतिक परिस्थितियां। दूसरा कारण अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो वह है सामाजिक परिस्थितियां। और सामाजिक परिस्थितियां से आपने भली भांति परिचित हैं, जैसे हमने आपको बताया कि फ्रांस में जो है समाज तीन भागों में बटा हुआ था। इसे कहा जाता है उच्च मध्यम और निम्न। तो उच्च वर्ग मध्यम वर्ग यानी प्राथमिक स्टेट, द्वितीयक स्टेट, तृतीयक स्टेट, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक के साथ जो बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए, जबकि तीसरे वर्ग को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये भेदभाव भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। तीसरे स्टेट में वकील, डॉक्टर, शिक्षक वर्ग के लोग शामिल थे। आर्थिक परिस्थिति की बात करें तो आर्थिक परिस्थितियां भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण मानी जाती थी। वो कौन कौन सी आर्थिक परिस्थितियां जो फ्रांसीसी क्रांति का कारण मानी जाती है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जब लुई सिक्सटीन जो है 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तो वो पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था। और कर्ज में डूबे होने के बावजूद भी उसने 15 अमेरिकी उपनिवेशों को किससे आजाद कराया, ब्रिटेन से आजाद कराया। और उस 15 उपनिवेश को आजाद कराने के बाद भी फ्रांस को कई लाख रुपए जो है लिब्रे मुद्रा जो है ब्रिटेन को चुकानी पड़ी। तो फ्रांस में कर्ज का भार और बढ़ गया। ये बहुत बड़ा कारण बनता क्रांति का। फ्रांस के राजा धन का दुरुपयोग करते थे और उन्होंने व्यक्तिगत ऐश्वर्य के लिए खजाना खाली कर दिया। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के कारण अनेक कारीगर बेकार हो गए और उनमें भी असंतोष फैल गया था। ये भी बहुत बड़ा कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांस जो है ऋण के बोझ से दबा हुआ था। दोषपूर्ण कर प्रणाली के कारण व्यापार जो है अवनीति की ओर बढ़ रहा था। फ्रांस ने अमेरिका के लोगों को वित्तीय सहायता दी, जिससे राजकोष पर ऋण का बोझ बढ़ गया। ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति का। और अगला कारण वो है दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिकों में अगर हम बात करें तो दार्शनिकों मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। दार्शनिकों में जो हमने बताया उसमें रूसो, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू और जो है जॉन लोक, इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया और क्रांति की शुरुआत। जब स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया उसी दिन से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है। जब स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था, तो स्टेट जनरल का अधिवेशन जो बहुत अगर हम बात करें तो लुई सिक्सटीन ने बुलाया था। उद्देश्य क्या था इसका, लुई सिक्सटीन का उद्देश्य था कर लगाना। और अब प्रथम स्टेट में 400 लोग थे, 400 प्रतिनिधि थे। द्वितीय स्टेट में 400 प्रतिनिधि थे, लेकिन जो तीसरा स्टेट था उसमें 800 लोग थे। जबकि जो फ्रांसीसी जो शासक लुई सिक्सटीन था उसने वन मैन वन वोट की गिनती को अस्वीकार कर दिया। जबकि इनका मानना था कि भाई तीसरे वर्ग का, कि चूंकि कर हमारे लिए हमारे ऊपर लगाया जा रहा है तो इस पर हमारी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, और चूंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारी वोट ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को लुई सिक्सटीन ने मानने से इनकार कर दिया, और इसी वजह से क्रांति जो है वहां के लोगों में ज्यादा क्रांति भावना पैदा होती है और वो क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो ये चीजें आपको गौर करनी है। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बनता है, और 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। और इससे पहले ये यहाँ पर एक डायरेक्टरी जो है प्रथम डायरेक्टर था। तो नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 में। और 1804 में नेपोलियन के जो बनने के बाद वहां पर एक सुधार किया गया, जिसे नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट या नेपोलियन की आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि नेपोलियन की आचार संहिता क्या है, तो ये नेपोलियन की सुधार भी है, इसे नेपोलियन की आचार संहिता भी कहा जाता है। सुधार क्या क्या नेपोलियन ने, तो नेपोलियन ने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना, और उसने निम्नलिखित सुधार किए। तो नेपोलियन के द्वारा यूरोप में यानी फ्रांस में कौन कौन से सुधार किए गए। पहला सुधार उसके द्वारा क्या किया गया, तो उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। उसने नाप तोल की एकमात्र प्रणाली चलाई जो कि दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यानी नेपोलियन के शासन से पहले फ्रांस में जो है नाप तोल की अलग अलग प्रणाली थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाप तोल की प्रणाली थी। इससे व्यापार बिल्कुल
सही प्रकार से नहीं हो पाता था, बहुत समस्या आई थी। उस नाप तोल के प्रणाली को नेपोलियन क्या कर दिया, एक कर दिया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है नेपोलियन संबंधी। इसके अलावा उसने क्या किया, विशेष अधिकार की समाप्ति कर दी, है ना। इसके अलावा उसने जमींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। और इसके अगर हम बात करें, पूरे फ्रांस की एक भाषा घोषित कर दी जिसको फ्रेंच के नाम से जाना जाता है। तो ये नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार थी। अगला जो है टॉपिक जो है वो है आपका जैकोबिन। तो जैकोबिन से कई बार सवाल पूछे कि जैकोबिन से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम जैकोबिन की बात करें, देखिए जैकोबिन कौन थे, तो जैकोबिन से कई सवाल पूछे गए पेपर में। तो जैकोबिन कौन थे, उन्हें सौ कुलात के नाम से क्यों जाना जाता है। तो जैकोबिन की अगर हम बात करें, देखिए जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है मैक्स मिलियन रोबेस्क्योर द्वारा की गई थी। तो जैकोबिन क्लब की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी मैक्स मिलियन रोबेस्क्योर द्वारा। किसके द्वारा, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर के द्वारा जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। और इस क्लब के सदस्य कौन कौन से थे, तो इसमें समाज के कम समृद्ध वर्गों से थे। इनमें कारीगर, छोटे दुकानदार, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, जूता बनाने वाले, घड़ी साज और नौकर और दैनिक मजदूर शामिल थे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन होते, तो ये सब क्या थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। इसका संस्थापक कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो है मैक्स मिलियन रोबेस्पियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ सवाल के बाद पूछे गए, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर कौन था। मैक्स मिलियन रोबेस्पियर उनका नेता था और जैकोबिनों ने लंबी धारदार पतलून पहनने का फैसला लिया था। जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, इन्होंने एक अलग से ड्रेस पहनने का जो है डिसाइड किया था, उसका नाम था लंबी धारदार पतलून वाली पहनने का निर्णय लिया, जिससे वे घुटने तक पहने जाने वाले ब्रिचेस पहनने या घुटन्ना कहा गया पहनने वाले फैशन प्रस्त कुलीनों से अलग नजर आए। इस तरीके से उनमें उन कुलों को यह संदेश देना चाहते थे कि अब उनकी सत्ता का अंत हो गया है। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है बिना घुटने वाले। तो सौ कुलात किसे कहा जाता है, तो जैकोबिन को सौ कुलात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो घुटनों तक जो है पहनते थे, जिससे उनको घुटना छुपा होता था। और सौ कुलात जो है पुरुष लाल टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो सौ कुलात पुरुष जो है लाल टोपी पहनते थे, जो किसका प्रतीक थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। परंतु महिलाओं को यह लाल टोपी पहनने की मनाही थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जब सौ कुलात क्यों किसे कहा गया, तो जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सौ कुलात कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। तो ये सारी चीज आपको कवर करनी है। फ्रांस कब गणतंत्र बना, अगर हम फ्रांस की गणतंत्र की बात करें, तो देखो फ्रांस की गणतंत्र की स्थापना कब होती है, तो नेशनल असेंबली की बात करें तो होता क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो क्या होता है कि 1791 में संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया गया था। किसका, संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया था। और उसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। किसका, नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली 1791 में बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, नेशनल असेंबली का इसका उद्देश्य था जो सम्राट की शक्तियां, लुई जो सम्राट की शक्तियां बूर्ब राजवंश की, उसकी शक्तियों को सीमित करना। और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को जो है अलग अलग संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा। जैसे विधायिका बनाई जाएगी, विधायिका काम क्या होगा, कानून का निर्माण करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, कार्यपालिका बनाया गया, तो कार्यपालिका काम क्या था, कानून को लागू करना होगा। और न्यायपालिका बनाई गई, तो न्यायपालिका काम क्या था, तो न्यायपालिका का काम था दंड प्रदान करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके माध्यम से की गई। और अगर हम बात करें, तो नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में इसका काम करना था। इसके बाद 1791 के जो संविधान की अगर हम बात करें, तो 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार जो है नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। और नेशनल असेंबली जो थी ना दोस्तों, वह अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हम आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम क्या है, सबसे पहले क्यों, नागरिक हो, सर्वप्रथम नागरिक जो थे ना क्या करते थे, सर्वप्रथम नागरिक जो नागरिक थे, सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह को चुनते थे, एक निर्वाचक समूह को चुनते थे, यानी 10 से 5 लोग चुन लिया गया। अब ये जो 10 से 5 लोग हैं, ये जो 10 से 5 लोग चुने गए नागरिकों के द्वारा, ठीक है, वे सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। और पुनः असेंबली के, अब ये जो नागरिक चुने गए ना अलग से, अब ये असेंबली के चुनते थे, ठीक है। और सभी नागरिकों को जो है मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार
नहीं था केवल सक्रिय नागरिकों को, केवल केवल सक्रिय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार नेशनल असेंबली में दिया गया। अब ये सक्रिय नागरिक कौन थे? तो 25 वर्ष सक्रिय नागरिक होने क्या होना चाहिए, उनकी उम्र क्या होती थी, 25 वर्ष उनकी उम्र होती थी। और जिन्हें मत देने का अधिकार था वो क्या करते थे, कम से कम 3 दिन की मजदूरी, मतलब कम से कम 3 दिन की जो उनकी मजदूरी होती थी, मान लो अगर वो 1 दिन 100 रुपये कमाते हैं तो उन्हें कम से कम 300 रुपये क्या कर चुकाते थे। और बाकी जो इन्हीं केवल मतदान का अधिकार था जो कर चुकाते थे, बाकी महिलाओं और पुरुषों को मतदान के योग्य नहीं माना गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो ये एक प्रक्रिया बनाई गई थी नेशनल असेंबली के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें स्थापित होती हैं। तो नेशनल असेंबली कब बनाई गई, 1791 में, उद्देश्य का संविधान का निर्माण करना। क्लियर। अब देखिए, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके उसे गणराज्य घोषित कर दिया गया और इस नवनिर्वाचित सभा को क्या दिया गया, नाम दिया गया, कन्वेंशन का नाम दिया गया। तो फ्रांस को में गणराज्य स्थापना कब होती है, तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके गणराज्य की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से जो है सवाल यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। अगले अगर हम बात करें आतंक राज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आतंक राज को किसके शासनकाल को हम आतंक राज कहते हैं, तो जो मैक्स मिलियन रोबेस्पियर का काल था, यानी मैक्स मिलियन के रोबेस्पियर 1793 से लेकर 1794 तक के शासनकाल को आतंक का शासनकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैकोबिन के नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं सजा की कठोर नीति अपनाई थी और इस नीति के हुई आतंक राज जो है शासन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें वह गणतंत्र के दुश्मन मानता था, कुलीन पादरी व अन्य राजनीतिक दल के सदस्यों को और जो उसके तौर तरीके से असहमत थे उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था और उन पर क्रांतिकारी मुकदमा चलाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिए, अगर अदालत उन्हें दोषी पाती थी तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था और रोबेस्पियर अपनी नीतियों पर इस तरह अंधाधुंध चला कि उसके समर्थक भी उसके बदलाव की मांग करने लगे और 1794 में खुद मैक्स मिलियन रोबेस्पियर को अदालत ने दोषी पाया और उसे गिरफ्तार किया गया, उसे सिर कलम कर दिया, यानी कि उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब इसके बाद यानी आतंक के शासन के बाद एक नए प्रकार के जो है शासन की स्थापना होती, जिसे क्या कहा गया, डायरेक्टरी शासन कहा गया। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद धनी मध्यम वर्ग ने जो सत्ता संभाली उसे ही कहा गया डायरेक्टरी शासन। तो डायरेक्टरी शासन क्या था, धनी मध्यम वर्ग के शासन को ही डायरेक्टरी शासन के नाम से जाना जाता है। ये चीजें यहाँ से कई बार सवाल जो है पूछा जाता है। मिराबियो कौन था, तो मिराबियो तीसरे स्टेट का एक प्रतिनिधि था। उसने वारसाय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया और वह कुलीन परिवार में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को समाप्त करने की जरूरत से सहमत था। अब यहाँ पे एक सवाल जो कई बार सवाल पूछा जाता है भाई, कि उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ, परिस्थितियां जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुए, अथवा किन घटनाओं ने फ्रांस में क्रांति शुरुआत की, वो घटनाएं जिससे वजह से फ्रांस में क्रांति थी। तो वो था पहला स्टेट जनरल की सभा, 5 मई 1789 को लुई सीसी ने टैक्स कर लगाने के लिए स्टेट जनरल की सभा बुलाई, ये पहला कारण है। दूसरा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग तीसरे स्टेट के लोगों द्वारा की गई जिसको राजा ने मानने से इनकार कर दिया। तीसरा, नवनिर्वाचित सभा की मीटिंग, तीसरे स्टेट के लोगों का प्रतिशत अधिक था और वे स्वयं को संपूर्ण फ्रांस के अधिवक्ता मानते थे और वे वारसाय के मैदान के टेनिस हॉल में एकत्रित हुए और स्वयं को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित किया और ये कुलीनों और पादरियों के विशेष अधिकारों को समाप्त करने में विश्वास रखते थे, ये भी कारण माना जाता है। किसानों द्वारा विद्रोह, ये सारे कारण हैं। बास्टिल के किले का पतन, फ्रांस ने रात, ठीक है, इस वजह से जो है वह परिस्थितियां जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। अगला है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली किस प्रकार अस्तित्व में आई। तो फ्रांस में अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो टेनिस कोर्ट की शपथ के फलस्वरूप, तो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी वो टेनिस कोर्ट की शपथ के फलस्वरूप जो अस्तित्व में आती है। यहाँ किया गया, तो जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का मानना था कि पूरे फ्रांस राष्ट्र के प्रवक्ता हैं और ये प्रतिनिधि जो है 20 जून को वारसाय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और उन्होंने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया।
कि तब तक असेंबली भंग नहीं होगी जब तक सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला सिद्धांत तैयार नहीं हो जाता। मिरापियो और आबे सीए, ध्यान रखना इस नेशनल असेंबली का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो प्रतिनिधित्व कर रहे थे मिरापियो और आबे सीए। मिरापियो हालांकि कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, परंतु वह सामंतवाद के विरोधी था। उसने एक पत्रिका छापी और वांग में जमा भील के सामने एक जोरदार भाषण भी दिया था। और आबे सीए की बात करें, आबे सीए एक पादरी था और उसने एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका जिसे पंपलेट लिखी, जिसका शीर्षक था तीसरा स्टेट क्या है। तो लुई 16वें को अब तक अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अंदाजा हो चुका था। आखिरकार सम्राट लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता देते हुए अपनी सत्ता पर संविधान के मुख्य अंकुश को जो है पूरी तरह से स्वीकृति दे दी। फ्रांस में 1791 के संविधान के अंतर्गत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया, तो ये सारी चीजें किस प्रकार उसके कार्य किया गया, तो ये चीजें यहाँ से कवर की जाएंगी आप सभी के लिए। तो ये सभी आप चीजें आपको कवर कर लीजिए, ठीक है। सक्रिय नागरिक कौन होते, तो हमने यहाँ पे कवर कर दिया आप सभी के लिए। फ्रांसीसी क्रांति, लुई 16, ये सारी चीज हमने आपको कवर कर रखा है। ऐसा ये तो दोबारा से रिपीट हो गया यहाँ से। अच्छा, तो हमने आपको कवर कर दिया आज इसमें, तो दोबारा से नोट्स आ गए हैं। तो हो गया वो घटना जिनमें फ्रांसीसी क्रांति दोबारा से आबादी। तो ये जो है हमने कंप्लीट इसका टोटल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक था जो यहाँ से पूछा है वो सभी करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।